हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। गाइस आज मैं बताने वाला हूं आपको टॉप 5 नूब टू प्रो की टिप्स एंड ट्रिक्स। सॉरी, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज इसमें मैं एक नई चीज कवर करने वाला हूं। वो है कि जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं ना आपको, उसमें कुछ ना कुछ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार पॉडवे ने टिप्स बताई थी पर मैंने किया तो एकदम सही था, बट वो हुआ क्यों नहीं, ठीक है, कहां कमी रह गई, तो वो छोटी छोटी चीजें भी मैं इसमें कर करने वाला हूँ। हालांकि ओनली 5 पॉइंट है, बट ये स्टिल काफी काम आने वाले हैं आपके। सो वीडियो को लाइक का टारगेट है 5000 लाइक। जो भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बिकॉज यार लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं ना जितना मैं आपको टारगेट देता हूँ, तो मुझे खुद को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो और वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट क्लिप नंबर 1, व्हिच इज AKM विद आयरन साइट। कितना यूजफुल होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे क्लिप देख सकते हो, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो AKM को आयरन साइट पे यूज करते हैं। अब AKM आयरन साइट पे यूज करना या फिर कोई भी गन आयरन साइट पे यूज करने का मतलब है एम असिस्ट का प्रॉपर यूज लेना। जब भी आप किसी गन को आयरन साइट पे यूज करते हो, उसका एम असिस्ट बहुत ही प्रॉपरली वर्क करता है, और अगर एम असिस्ट आपकी हेल्प कर रहा है किसी बंदे को मारने में, तो आप उस बंदे को जल्दी नॉकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मेरे एक बंदा रिवाइव दे रहा था, मैं कवर देने के लिए खड़ा हुआ, मैंने पीक करके उस सामने वाले बंदे को मारा, ठीक है, थोड़ा सा लेट नॉक हुआ वो, बिकॉज मैंने यहाँ पे रेड डॉट लगा रखा था। अब जैसे ही मैं रोड क्रॉस कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने आप देखो कि AKM से रेड डॉट हटा के मैंने आयरन साइट यूज करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आयरन साइट पे मुझे बहुत भरोसा है और एम असिस्ट काफी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, सेकंड वाले बंदे को मैंने बहुत इजीली नॉक कर दिया, बिकॉज आयरन साइट के साथ एम असिस्ट काफी पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बंदे नॉक कर दिए, उसके बाद जब हम किसी घर में रश कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपरली कैसे यूज लिया है आयरन साइट का। और आयरन साइट मैं ये भी बताऊंगा कि मैं AKM की ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब मैं जा रहा था, सामने ऊपर एक बंदा दिखा, मैंने उसे स्पॉट कर दिया, नॉक कर दिया, और इजीली नॉक हुआ इसलिए हो गया क्योंकि वही सेम चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एम असिस्ट काफी अच्छा वर्क करता है, इसलिए वो इजीली नॉक हो गया। अब मैं घर के नीचे था, तो मैंने वही ऊपर ग्रेनेड वगैरह यूज किया अपने, बिकॉज ताकि थोड़े बहुत वो डैमेज हो जाए। ऑब्वियसली ग्रेनेड यूज करने के बाद नीचे देखो एक बंदा ऊपर जा रहा था, मैंने इस पे बुलेट कनेक्ट करने की कोशिश की और मेरी हेल्प की मेरे एम असिस्ट ने, बिकॉज मैं आयरन साइट यूज कर रहा था, और यहाँ पे थर्ड वाले बंदे को मैंने हिप फायर से मार दिया। सो मैं बाकी अदर गन्स का आयरन साइट यूज करना आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनका जो विजन होता है, विजिबिलिटी आपको कम मिलती है, ठीक है। उस जैसे आप स्कायर ले लो फॉर एग्जांपल, उसका छोटा सा एक होल होता है, और दूसरा M4 का भी जो आयरन साइट है वो इतना अच्छा नहीं है जितना AKM का है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप AKM यूज कर सकते हो एज अ आयरन साइट, और बहुत ही मतलब ये बोल सकते हो थोड़ा डेडली हो जाता है, ठीक है, ताकि आप एम असिस्ट भी यूज कर पाओ अच्छे से और अपना आयरन साइट भी आपका काम करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, विच इज आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया है कि अगर सामने आपके स्क्वाड है तो आप उनको आने दो, ना कि आप उनके तीनों के बीच में जाके घुसो। इसका ही रीजन ये है कि जब आपके सामने वो तीनों बंदे आएंगे, तीनों चारों जितने भी हैं, तो आप एक एक का साउंड लेके उनको नॉक करके फॉल बैक कर सकते हो। तो सेम चीज मेरे साथ यहाँ पे भी थी, ये रिज की फाइट थी और सामने तीन बंदे थे, मैं यहाँ पे लेट के लूट रहा था। अब वो तीनों बंदे एक साथ रश कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे बेसिकली लेफ्ट से साउंड आता है कि एक बंदा लेफ्ट जा रहा है, वहां से रोटेट करेगा, तो मुझे लगा कि लेफ्ट वाला पहले मेरे को दिखेगा, तो मैं उसे पहले नॉक कर देता हूँ। तो सेम मैंने लेफ्ट वाले को नॉक किया, एकदम से राइट वाला आया, उसे भी नॉक किया, और थर्ड वाला आ रहा था, उससे पहले मैंने यहाँ पे गन रिलोड नहीं की, मैंने यहाँ पे रिप्लेस की, ठीक है, मैंने M4 ले ली, और यहाँ पे देखो मैंने इसे अपने रेड डॉट से मारा। अब आप सोच रहे हो कि यार बंदा क्लोज है, मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता हूँ कि रेड मतलब इतना क्लोज में आप ADS ओपन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वो मैंने यहाँ पे क्यों किया, मैंने आपको क्लिप दोबारा दिखाता हूँ स्लो मोशन में। मैंने रेड डॉट इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मुझे बंदा दिखा, ठीक है, अब वो बंदे का मेरे को बहुत ही कम एरिया दिखाई दे रहा था। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप हिपफायर करते हो तो बुलेट स्प्रेड होता है, और मेरी यहाँ पे हेल्थ इतनी नहीं थी कि मैं बुलेट स्प्रेड के साथ उसको मारने की कोशिश करूँ, और वो मुझे एक गोली भी मार देता तो मैं नॉक हो सकता था, क्योंकि मेरी वेस्ट भी डैमेज थी, मेरी हेल्थ भी कम थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिस्क नहीं लिया, और वो बंदा ज्यादा मूवमेंट भी नहीं दे रहा था पहली चीज, तो मैंने जैसे ही अपना ADS ओपन किया, सीधा उसको हेड लग गया और वो बेचारा इजीली नॉकआउट हो गया। तो यही जो छोटी छोटी चीजें थी मैं आपको कवर करने के लिए बोल रहा था कि अगर आप हिप फायर दे रहे हो तो देखो कि आपके पास कितना स्पेस है। आप हिप फायर दे रहे हो, आपको ऑब्वियसली जिगल भी करना है, हिप फायर भी देना है, तो बुलेट स्प्रेड का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है और बंदे का कम एरिया दिखाई दे रहा है, तो आप उसको प्लीज ADS ओपन करके मारो। तो ये सारी चीजें आपको गेम सेंस से आएंगी। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो कहाँ पे यूज करनी है, वो आपको खेलने के बाद पता लगेगा, ना कि वीडियो देखने के बाद, राइट। सो आप उसको खेलो, उसको सही जगह पर यूज करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, विच इज विंडो फाइट। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि विंडो फाइट करने के लिए बेसिकली आपको एक, जब आप विंडो पे स्प्रे कर रहे हो बीच में, जब आप जिगल दे रहे हो, तो आपको एम सेंटर में रखना है, विंडो के लेफ्ट राइट नहीं टच करना है, ठीक है, ताकि
जो सेंटर में से बंदा आप पे फायर कर रहा है उसको आप इजीली नॉकआउट कर सको, ठीक है। एक बार मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो जो मेरी वीडियोस देखता हूँ उनको पता होगा। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे की, आप देख सकते हो मेरी बेसिकली छोटी सी विंडो फाइट हुई, और मैं यहाँ पे जस्ट आपको ये क्लिप एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने उसे कितना ईजिली नॉक किया। अगर आप इसे स्लो मोशन में देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बंदा बिल्कुल सेंटर में था, और मैंने जब मैंने लेफ्ट राइट जिगल दिया तो मेरा क्रॉस हेयर है ना सिर्फ एक बार राइट में हुआ, उसके बाद मेरा क्रॉस हेयर सेंटर में था, ठीक है, लाइक दिस, बिल्कुल सेंटर में था। विंडो फाइट के टाइम आप वो चीज़ यूज़ करो, आप इसकी प्रैक्टिस करो, और मैंने ड्रिल्स में बताया भी हुआ है कि कैसे आप कर सकते हो, सो प्लीज़ उसे यूज़ करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट विच इज़ डोंट पुश लाइक स्ट्रेट, वही तो लाइक कपड़ा जैसे बोल रहा था भाई, बचाए तो कौन बैल है। पुश करती है ना बिल्कुल सीधा, बिल्कुल वैसे पुश मत करो। मैंने आपको बताया कि आपको जिगल देते देते जाना है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने से बंदा आ रहा था, ओके मैंने इसे बहुत इजीली नॉक कर दिया। अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ इसका कि मैंने इसे इजीली नॉक कैसे कर दिया। अब देखो स्लो मोशन में देखो, ये बंदे को, इस बंदे ने क्रॉस हेयर पूरा दीवार पे चिपका रखा था, ठीक है, इस बंदे ने अपना क्रॉस हेयर पूरा दीवार पे चिपका रखा था जहां पे मैं खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं उसे मारूंगा तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल के मारूंगा, मैं बाहर निकलूंगा तो उसका क्रॉस हेयर तो दीवार पे है तो उसको थोड़ा सा राइट लेना पड़ेगा, इतने में मैं उसकी गोली मार दूंगा। और जैसे ही मैंने जंप करके मारा, आप स्लो मोशन में देख सकते हो, जैसे मैंने जंप करके मारा भाई उस बंदे को लगे हेड दो तीन, और उसकी उतर गई टोपी यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसको कितना टाइम मिलेगा मुझे मारने के लिए, यार सीधी सी बात है। दूसरा बंदा भी आया मेरे सामने से, वो भी सेम शायद वही कर रहा था, और मैंने भी उसे जंप करके मारा, हालांकि वो शायद लो होगा आई डोंट नो, तो वो इजीली मर गया। तो यहाँ पे मैं आपको उसी चीज़ का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, जैसे आपके सामने वहाँ पे वॉल पे बंदा है, ठीक है, आपको पता है आप उस पर रश कर रहे हो, ठीक है। अब उस बंदे को भी पता है कि आप आ रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इतना दूर निकल के मारेगा आपको, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, सामने वाला बंदा इतना तो ओपन में आएगा, या फिर थोड़ा सा ओपन में मान लो, ठीक है, इतना तो वो निकल के मारेगा ही आपको। और जब वो इतना दूर निकल के मारेगा तो आपका काम है कि बिल्कुल दीवार पे क्रॉस हेयर चिपका के मत भागो, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने बंदा है, यूं दीवार पे चिपका के मत भागो क्रॉस हेयर, आपको हल्का सा दूर रखना है, ठीक है। कितना दूर रखना है आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे बंदा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा राइट में क्रॉस हेयर रखना है, बिल्कुल ऐसे दीवार पे चिपका के भागोगे और उसने जंप करा तो आपको एम ट्रांसफर करने में दिक्कत होगी। देखो इतना दूर रखो एटलीस्ट क्रॉस हेयर को, मैं हमेशा क्रॉस हेयर को थोड़ा सा दूर रखता हूँ, ठीक है। अगर स्पेस ज्यादा है तो, अगर स्पेस ही ज्यादा नहीं है, आप किसी गैलरी में भाग रहे हो तो ऑब्वियसली बंदा जंप भी नहीं कर पाएगा, तो आप उस हिसाब से। और सेम चीज मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको गेम सेंस से ये सारी चीजें आएंगी, मैं टिप तो बता रहा हूँ, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। ऐसे नहीं कि हर जगह ही इतना दूर क्रॉसर रख के भाग रहे हो, वो चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं मेंटलिटी के बारे में, ठीक है, अगर सामने बंदा है, ठीक है, आपको पता है कि उस वॉल पे फलाना फलाना बंदा टीपी भी ले रहा है, राइट, तो आप क्या करते हो, भाग के जाओगे। अब उस बंदे को तो यही लगता है ना कि उस बंदे को नहीं पता है, मतलब सामने वाले एनिमी को ये लगेगा कि आपको नहीं पता है और आप भाग के आ रहे हो, तो वो जैसे ही आपको देखेगा मारने के लिए निकलेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी, जैसे ही आप उसे मारने के लिए जाओ, थोड़ा सा जल्दी आपको प्री फायर करना है, ठीक है। इतना भी जल्दी नहीं करना है कि आप निकलते प्री फायर कर दो, और इतना भी लेट नहीं करना है कि वो पहले गोली आपके कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि गेम सेंस से आएगी, ज़्यादा मरोगे तो अपने आप सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे ही वो बंदा ऐसे मारने की कोशिश करेगा आपको, तो बेसिकली आपको प्री फायर करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे सामने बंदा, राइट, तो मैं यहाँ से निकला और प्री फायर करना स्टार्ट, जस्ट थोड़ा सा निकला और प्री फायर करना स्टार्ट, राइट। तो ये मैं इतना जल्दी प्री फायर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आप थोड़ा सा पास जाओ और प्री फायर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे आप निकल के प्री फायर करोगे ना, वो बंदा नॉक हो जाएगा। चलो मैं उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। नहीं डालूंगा। यहाँ पे देखो मेरे सामने बंदा था, ठीक है, मैंने उसको गोली कनेक्ट करने की कोशिश की बट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, और मैं भाग के गया और मैंने यहाँ पे प्री फायर स्टार्ट कर दिया। अगर आप स्लो मोशन में देखो देख तो सकते हैं। मैं प्री फायर करते करते अंदर भी गया, बिकॉज देखो ये तो जरूरी है कि अगर आपने थोड़ा सा हग दिया और आपके पास कवर है तो आप उस कवर का यूज लो, ऐसे नहीं हग दिया फिर भी उसके सामने आप डांस कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्लो मोशन में। यहाँ पे देखो बेसिकली जब मैं गया तो मैंने पहले गोलियां स्टार्ट कर दी, ठीक है, और अभी मैं विंडो के, मतलब इस वॉल के चिपका के इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं था, ठीक है। वो बंदा अगर इधर आता तो वो बंदा कवर में चला जाता, मैं इधर आता तो मैं कवर में चला जाता, इसलिए मैं ज्यादा एम भी वो ट्रांसफर नहीं कर रहा था। तो वैसे ही आपको करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एम को सेट करना है, ऐसे नहीं है दीवार के चिपक चिपका के भाग रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट विच इज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर पीक कब करना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे मैं आपको,
वो पास आ गया कोई पीछे यहाँ पे आपके? देखो मेरे को साउंड आया बेसिकली, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस बंदे को पीक करके पहले ही मारना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने इस बंदे के आने से पहले ही पीक किया, ठीक है। मेरे को पता चल चुका था ये आने वाला है, मेरे को पूरा साउंड आ चुका था, और मैंने उसके हेड कनेक्ट करने की कोशिश की। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एम पूरा का पूरा ऊपर है। अब उसके पास M249 थी, उसने एक गोली मारी मुझे और मेरी हेल्थ इतनी चली गई। तो साउंड सेंस का बहुत यूज़ होता है विद प्री फायर। अगर आपको साउंड आ गया है तो आप वहां पे खड़े हो, ठीक है, कि सामने वाला बंदा आएगा मुझ पे कूद के रश करेगा तभी मैं उसको मारूंगा। नहीं यार, आपको हमेशा पहले गोली चलानी है, उसी में आप फायदे में रहोगे। अगर आप लेट करते हो तो हो सकता है यार उसके पास M4 हो, सorry, हो सकता है उसके पास ग्रोजा हो, या फिर MK14 हो, या फिर M249 हो। अगर आप उसे अपने क्लोज आने दे रहे हो तो वो आप पे बिल्कुल अपनी भड़ास निकाल लेगा और आप मर मार दे जाओगे। दिया कर उसको दिया। क्लोज ही मत आने दो, ठीक है। यही मैं आपको चीज़ बता रहा था, और यही थे मेरे top 5 points। डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपके आने वाले गेम प्लेज में। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये चीज़ मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि बड़ो भाई आपने जो ट्रिक बताई थी वो काम नहीं आ रही यार, मैंने ये किया, मैंने जिगल देते देते सामने वाले बंदे के मुंह पे गया फिर भी उसने मेरे को मार दिया, मेरी गोली कनेक्ट नहीं हुई, या फिर बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ बार बार कवर कर रहा हूँ, बिकॉज वो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, वो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। और डेफिनेटली जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट कवर किए अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स में से भी निकाल के, तो ये आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी उनका भी एक यार एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लूप होल होता है जो निकल ठीक जाता है, है ठीक है। अब मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार काम आए और आप विदाउट गेम सेंस उसे यूज कर रहे हो। मतलब बड़े भाई ने बोला है या फलाना फलाना जिस भी यूट्यूबर ने बोला है वे फोर कि एम एम ऐसा करना है और जिसको ऐसा पीक हो बनाई जाएगा, तो और 500 आप सीढ़ी हो दिमाग नहीं मर चला जा रहे रहा है कि यार यार, मुझे कब ऐसा करना है और चलो सीधा गलती घुस करेगा रहे हो, क्या तो भाई, वो चीज सिंपल मत सी बात। करो। और सॉरी मैं ज्यादा भावुक हो गया था उसके लिए, सॉरी। चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पहले ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को यार, अपने दोस्तों का शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें भी ना, कहीं मत जाना, बिकॉज पबजी रिलॉन्च होने वाला है और उसके अरे भाई बाद जो मेरे टिप्स पास एंड ना ट्रिक्स आने वाली है ना सीरियल कॉम्पिटेटिव टिक्स की, तो इतनी पड़ी हैं, इतनी भाई पड़ी हैं, एकदम फाड़। एक सो हेलो मैं करो मिलता हूँ यार आपसे एक नई यार वीडियो में, यार टिल देन यार बाय बाय, मेरे टेक तो केयर, सी यू, सारे टाटा, मेरे मोस्ट टाइम हो खत्म। जाएगा नेट वाला पूरा।